तो साउंड प्रूफ हाईवे में पहुंच चुके हैं। 2200 के डीजल में 471 किलोमीटर चल गई गाड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ की सड़कें हैं, अपने देश की हैं कि कहीं बाहर देश की है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो है, वीडियो नहीं ब्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं नागपुर से रीवा, कामठी से निकल के आगे आए हैं। अपनी गाड़ी में डीजल टैंक फुल करवाए और फुल पूरा करवा भी नहीं पाए, मात्र 2200 का डीजल आया। अपनी टाटा विस्टा में सर्विस बस कराए हैं, फेंडर लाइनिंग लगा लिए, उसकी तो वीडियो आपने देख ही लिया, सब परफेक्ट है, एक नंबर। तो अभी हमें BPCL के पेट्रोल पंप में यहाँ पे पानी वगैरह भर रहे हैं। बहुत ही अच्छी साफ सफाई है, देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम। चलिए यहाँ से हम निकलते हैं, घर से मैं दिखा देता हूँ कितना आ गए हैं। देख सकते हैं घर से अपन 47 किलोमीटर आ गए हैं, 47, और जो ओडो है 1,78,073 किलोमीटर। डीजल इतना ही आ पाया अपने साथ। इस बार ये लोग हैं, दो जन और हैं, सामान भरपूर है। आज की तारीख है 7 अक्टूबर और नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो अपने गांव जा रहे हैं। चलिए रास्ते के नज़ारे आपको दिखाते हैं। इस बार 2200 के डीजल में अपन 600 किलोमीटर पहुंचेंगे कि नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। पहुंच गए अपन महाराष्ट्र वाले बॉर्डर में, अब चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो आज पहली बार मैं ऐसी जगह पे रुका हूं कि आपको दिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा भाई। एकदम शेर, बाघ, भालू, हिरण, इन सब के बीच में आगे अपन आज लंच करने वाले हैं दोपहर का, क्योंकि टाइम बहुत भयंकर हो चुका है और अपने को लगाई है भूख। अपने को तो नहीं लगी है, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा लगाई है। तो अपन ये चोर बाहुली पहुँचे हैं और यहीं पे नदी का किनारा मिल गया है, मिट्टी से ये बाकी लोग जुड़ गए हैं। नदी दिख रही है और हो सकता है कुछ टाइम में कोई हुंकारते हुए आ भी जाए। ये हमारी पूड़ी हो गई और सब्जी हो गई। लगभग 80-90 किलोमीटर आने के बाद ही ऐसा पता चला, बहुत भूखे लोग अपने साथ आज चल रहे हैं, तो जितने टाइम में पहुंचाए। आगे साउंड प्रूफ हाईवे है, जिसका नितिन गडकरी अनावरण किया था और उसका इस समय न्यूज में बहुत चल रहा है कि साउंड प्रूफ, अब साउंड वाला हाईवे बन चुका है, मतलब गाड़ियों के खड़खड़ाने की। तो आज चल के ग्राउंड रियलिटी देखते हैं क्या है। सबसे पहले थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो साउंड प्रूफ हाईवे में पहुंच चुके हैं और इसी का इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है न्यूज़ वगैरह में कि इसकी पूरी रोड ख़राब है, लेकिन देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रिपेयर कर दिए हैं और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं, थोड़ा बहुत है देखने मिला, मतलब एकदम से ओके नहीं है, लेकिन ये वही हाईवे है जिसका आजकल आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ हाईवे। नीचे से जानवर आते जाते हैं और फ्लाई ओवर के जैसे ये बना है, तो नीचे से पूरा खोखला है। पता नहीं है इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ कि इस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ गए बहुत जल्दी। अभी पिछली बार जब हम आए थे बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब था, लेकिन न्यूज़ में आने के बाद इसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया और जगह जगह मतलब रिपेयर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से परफेक्ट है, ख़राब है, अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी तो हम थोड़ा सा नीचे सेक्शन में हैं, ऊपर तो और बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। और हर जगह साफ़ सफाई लगी, जैसे मिट्टी उट्टी यहाँ जम गई है ना, उसको सब साफ़ कर रहे हैं इधर के जो भी ठेकेदार वगैरह होंगे, जो भी इसको बनाए, दिलीप बिल्ड काम ने इसको लगता है बनाया है और बहुत ही महंगे में बना है, 900 करोड़ रुपये की लागत से बना है। ऐसा 900 या 9000 करोड़, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ लगे हैं, मालूम नहीं है अपने को, सुनने में ऐसा आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये ख़राब था, अब भी नहीं है। देखिए यहाँ पैच वर्क हो गया है, तो अभी उसका ख़राब दिखता नहीं है। जब ये नया नया बन रहा था तब भी हम लोग आते थे और उस समय तो क्या शानदार बना था, एकदम अद्भुत वाला। ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ की सड़कें हैं, अपने देश की हैं कि कहीं बाहर देश की है, ऐसा पहले लगता था।
लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखने पर जगह जगह पैच वर्क हो गया है और पूरा मतलब गाड़ी ऐसे बबलिंग करते हुए चलती है, मतलब उसका अब मज़ा नहीं रहेगा इस रोड पे। और अभी इसको ओपन हुए मुश्किल से 2 साल के समथिंग हुआ है, 2 साल में इसकी कंडीशन इतनी बेकार हो गई। अभी देखिए ने देखा जगह जगह ऐसे सेक्शन खराब रहते हैं और इसका रिपेयरिंग वर्क भी चालू है। मेन मतलब जो भी इसका वीडियो शूट करके अपलोड किया रहा होगा तो भाई इतना ज़्यादा पैसा लगा है तो क्वालिटी फुल वर्क होना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब है ये। गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं अभी भी और रोड भी कहीं कहीं दबी है। तो इसको न्यूज़ वाले ऐसे बोलते थे साउंड प्रूफ हाईवे, अब साउंड वाला हाईवे बन चुका है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों से आवाज़ आती है खटर खटर एकदम। और टोल टैक्स तो खतरनाक ही लगता है, आगे इसका लगता है टोल टैक्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नागपुर हाईवे की रोड है एकदम पूरा खतरनाक, अच्छी रोड है, धूल उड़ नहीं उड़ती देख सकते हैं। तो ये गांव बीजना में है और यहाँ पे सीताफल दिए हैं अपन बहुत ज्यादा, 191 किलोमीटर अभी आए, अब यहाँ से निकलते जबलपुर की ओर। तो जबलपुर के 50 किलोमीटर पहले घाटी पड़ती है और इसमें आओ और आपको एक्सीडेंट देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए इस ट्रक की वजह से बहुत ही लंबा जाम लगा है और हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं जबलपुर की ओर। दिखाओ गुरु उस साइड अच्छे दिखाओ। यही मोड़ बहुत है। तो काफ़ी टाइम के बाद अपन पहुंचे हैं जबलपुर। जबलपुर का ये तिलवारा घाट है, मतलब तिलवारा की पुल है, नर्मदे यहाँ नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। ये जबलपुर स्मार्ट सिटी में अपन पहुंच चुके हैं और क्या ही अद्भुत नज़ारा है भैया, देखिए ना पूरा लाइटिंग से सजा हुआ है नवरात्रि के टाइम। रात के लगभग 9 बजने लग गए हैं और अभी हम लोग कटनी के आसपास हैं। जबलपुर से निकलने में अपने को बहुत टाइम लग गया और इस बार गाड़ी ज़्यादा स्पीड चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी गाड़ी तो चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चल रही है। बाकी अपन चलाए 300 किलोमीटर कंटिन्यू जबलपुर तक, इसके बाद दे दिया भाई को, तो धीरे धीरे चला रहा। अभी कटनी से लगभग 30 किलोमीटर पहले हैं और 9 बजने को आए, 8:40 हैं, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपने को घर पहुंचने में। 380 आ गए हैं, 220 किलोमीटर और बचा है, लोग 12-1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। मैयर भी अपन पहुंच चुके हैं, 470 किलोमीटर गाड़ी चलाए और रात के लगभग बज चुके हैं 10:30। 2 घंटा जो तुम बर्बाद किए उतने को अपन घर पहुँच जाते हैं। इस टाइम पर घर पर होते, 8 बजे रीवा में होते। तो मैयर से जो रीवा की दूरी पड़ती है 65 किलोमीटर पड़ती है और फिर रीवा से जो अपना घर है वो 50 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी भी 470 आ गए हैं, 130 किलोमीटर और अभी बचा है। बाकी 2200 के डीजल में 471 किलोमीटर चल गई गाड़ी, 500 तक चल जाती 2200 के डीजल में, अच्छा खासा माइलेज है। तो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा रीवा का, तो हमारा ये डेस्टिनेशन होता है रीवा का, इस वजह से यहाँ पे आके हम शूट करते हैं। और ये जो रीवा नागपुर हाईवे है ना, इसके बारे में आपको आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे हैं तभी आप रीवा नागपुर हाईवे में बाई रोड जाइए,
वरना आपकी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतनी ख़राब रोड है और आप 70-80 की स्पीड में 100 की स्पीड में चलते रहेंगे, अचानक से अब क्या बताऊँ 2-3 फीट गहरा गड्ढा आ जाएगा जिसमें गाड़ी एकदम से पूरा खड़खड़ा आ जाती है। पता नहीं मेरी गाड़ी के इतने सस्पेंशन मजबूत हैं इस वजह से इसको कुछ नहीं होता। बाकी बहुत सी गाड़ियों को मैं देखता हूँ, कोई पंचर पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है। अब यहीं पे ट्रक पलट गया क्योंकि यहाँ पे कुएं जितना गड्ढा है रीवा पे। तो आपकी गाड़ी जब मजबूत हो तभी आप रीवा से नागपुर आइएगा बाई रोड। बहुत ख़राब रोड है, एकदम पूरा सौकर हिल जाता भैया, पूरा सौकर हिल जाता। अपने को तो बहुत मज़ा आता है बाई रोड ट्रिप करने में, इस वजह से अपने को कोई ना थकावट लगती ना कुछ लगता है, एकदम बिंदास अपन चलाते हैं। रात की 11:10 हो गए हैं और अभी भी देखिए अपने रीवा में पूरा चहल पहल है, दुकानें खुली हैं। रीवा की खूबसूरती है। गाय बैल दिखे एकदम डर गया। 584 किलोमीटर अपन आ गए, 10 किलोमीटर की समथिंग और बचा है। 12 बजने को आए, नींद भी आने लग गई है। तो बस हम देवतालाब पहुंचने ही वाले हैं। देवतालाब हमारा आखिरी स्टॉपेज होता है, उसके पहले रीवा रहता है। सर्दी हो गई जा रहे हैं, पहुँचते पहुँचते हमारा फाइनल डेस्टिनेशन शिव मंदिर देवतालाब। देखिए गेट कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सुंदर। तो ये था हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, इसके बाद हमको जाना है मुश्किल से 2-3 किलोमीटर और हमारा ये ब्लॉग समाप्त हो जाएगा। तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।